सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग चैनल। होप करता हूँ आप सब भाई लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। हाँ, समझ रहा हूँ। बहुत दिन के इंतजार के बाद में मैं आज व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि यार लॉकडाउन है, सोचा कि कुछ ना कुछ कर लिया जाए, कुछ ना कुछ दिखा दिया जाए कि लॉकडाउन में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। वैसे तो अब खुलने वाला लॉकडाउन, मगर ठीक है यार, मैं भी फ्री बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ व्लॉग किया जाए, कंटेंट दिया जाए, थोड़ा बोर ही सही मगर दे दिया जाए। लॉकडाउन खुलने के बाद हो सकता है कि अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिल जाए। कुछ रोड ट्रिप्स वगैरह है जो प्लान हो रही है, तो उसके लिए मतलब पहले से क्रिएशन चलना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ दिखना चाहिए पब्लिक को कि हाँ भाई कुछ चल रहा है। तो बस यही है कि व्लॉग स्टार्ट कर दिया है आज से। आप सोच रहा हूँ कि 30 डेज़ का व्लॉग चैलेंज ले लूँ मैं, कंटिन्यू व्लॉग डालूंगा पर डे, एक एक व्लॉग रोज़ डालेंगे। बस यही था कि बहुत समय हो गया कि कुछ चीज़ मतलब दिखाई भी नहीं है, देखी भी नहीं है, किसी चीज़ में बिजी थे, तो इस चक्कर में अपन ब्लॉग कर नहीं पाए कंटिन्यू। मगर आप सोच रहा हूँ कि 30 डेज़ का ब्लॉग चैलेंज कर देते हैं, चैलेंज ले लेते हैं अपन कि 30 दिन में देखते हैं बना सकते हैं या नहीं बना सकते। वैसे तो मेरे हिसाब से तो मेरी एबिलिटी के अनुसार मैं बना सकता हूँ, मेरी सिचुएशन के अनुसार मैं नहीं बना सकता, बस यही बात है। और सुबह के बज रहे हैं अभी 1:30, तो सुबह के बज रहे हैं 1:30, और अभी मेरे को कुछ आप लोगों से बात करनी थी तो मैं बात करता हूँ। बाकी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन उठे, देख रहे होगी शक्ल आपको, नहाते धोते और आपसे मिलते हैं। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय। हमारे फ्रिज में बर्फ़ जम चुकी है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको पूरी निकाल दे। देख रहे हो, ये जमी ये जमी ये जमी, और इतनी बर्फ़ तो मैं निकाल चुका हूँ, इतनी सारी बर्फ़ तो मैं निकाल चुका हूँ इसमें से। इससे कोशिश करते हैं, इसे ट्राई करते हैं कि इससे निकल जाए। निकल जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्रिज बंद कर दिया था। अरे निकली निकली, लग रही है हाथ में। मशक्कत के बाद पूरा फ्रिज खाली हो चुका है, और देखो पूरा बाल्टी भर के इतने से फ्रीजर में इतनी बड़ी पूरी बाल्टी भरा गई। फाइनली अपना खाना वाना तो हो गया है, पेट पूजा डन हो चुकी है। थोड़ा सा एक भाई आ रहा है तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कहीं घूम के आ जाते हैं, मतलब एक दो राउंड काट के आते हैं। जब तक वो आता है तब तक मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। चलिए आइए, अपन आराम से बैठते हैं, फिर बात करते हैं, फिर उसके बाद में हम बाहर जाएंगे और आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। ठीक है, तक मैं बहन रहिए आप मेरे साथ, तुम्हारा भाई के साथ में। हाँ, तो गाइस मेरे को आप लोगों से ये बात करना थी कि यार मतलब ये जो कंटिन्यूटी में जो चल रहा है एक्सट्रीम रोड रेस, तो भाई ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक दो कंटेंट ऐसे लगे हैं मेरे को जो जेन्युइन है, बाकी तो यार देखा बंदे ने कि हाँ भाई वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है रोड रेज का, तो भाई यार पूरा सीन ही क्रिएट कर रहे हैं यार, मतलब हद है यार हाइप क्रिएट करने की। भाई देखो ये चीज़ नहीं होती है भाई, जेन्युइन कंटेंट लाओ यार। हम जैसे जेन्युइन बंदे, जैसे हम जेन्युइन बंदे भाई, हमको कंटेंट नहीं मिला तो हमने ब्लॉग ही नहीं डाले। 4 महीने हमने ड्रॉप ही कर दिया यूट्यूब, हमने छोड़ दिया। मतलब चल ठीक भाई, हमारे पास में कंटेंट नहीं है तो भाई ऐसा नहीं कि यार कुछ भी फेक ही डाल देंगे भाई। यार यूट्यूब मतलब ये कचरा ही बना के रख दिया यार, बिल्कुल यार। एक रोनी था उसका कंटेंट रियल लगा, और एक अपने भोपाल के भाई है MP04 राइडर, उनका कंटेंट भी मुझे रियल लगा। मतलब उनकी तो पूरी सीरीज चली है भाई, मतलब प्रॉपर जो चीज़ हुई है वो लड़े झगड़े में उनका कैमरा भी टूट गया था। अगर कोई जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई वो करता है क्रिएट करता है तो कोई अपना खुद का कैमरा थोड़ी उड़वाएगा यार कोई भी। भाई वो बंदों को लेने गए विदिशा से, लेके आए उनके दोस्तों को लेके आए, उसके बाद में उन्होंने सबको ढूंढ, मतलब वो तो सीरीज चली यार भाई बहुत तगड़ा, मतलब उसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मतलब। खैर बस ऐसा ही बोल रहा हूँ कि भाई देखो यार रियल कंटेंट लेके आया करो, फालतू दीदी के चोचले मत करो कि यार भाई तो तुम्हारा कंटेंट देखो यार क्या। देखो मेरी एक चीज़ एक बात सुनो, ठीक है मान लिया चलो ठीक है तुमने एक वीडियो वायरल कर लिया इससे, मगर ये मत सोचो कि तुम्हारा इस ये अगर ये वायरल हो गया तुम्हारी सारी वीडियो चलेगी, ऐसा नहीं रहता।
देखो भाई, कंटेंट ऐसा है कि आप कॉपी मत करो कभी भी किसी का। जो रियल है, जो चल रहा है, जो आपकी लाइफ में चल रहा है, वो दिखाओ। ऐसा नहीं कि यार भाई तुमने तो सारा सीन ही क्रिएट कर दिया है। भाई जा रहा है, बोलता बोले भाई का, भाई को मैंने फ़ोन किया था तो भाई आया नहीं। उसने बोला तू ही आ जा, मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं भाई मैं आ रहा हूँ। नहीं बोलता, अरे नहीं नहीं भाई तू ही आ जा यार। बोले चलो ठीक है, कुछ काम है उसको, तो उसने फ़ोन पे नहीं बताया, उसने मेरे को बोला। बस सडनली पीछे से गाड़ी आती है, थोड़ी सी कट मारती है और ये गाली गुप्ता होती है, और वो एकदम बिल्कुल जैसे एकदम खाली रास्ते पे कोई भी नहीं था, उन्होंने गाड़ी कैसी रोकी बिल्कुल एकदम से, जैसे मोड़ते ना ऐसे फिल्मों में गाड़ी दिखाते हैं, जैसे बिल्कुल हाँ इसको पता है कि मेरे को कैसी गाड़ी रोकनी है, मतलब पहले से डिसाइड करके आओ कि भाई मेरे को कैसी गाड़ी रोकनी। तो वो गया बिल्कुल आगे और सटाक से बिल्कुल गाड़ी स्लिप करी, गाड़ी पूरे स्लिप होते हुए रोड के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हो गई। भाई ने गाड़ी रोकी, बोले और क्या करेगा भरवाएगा कही है वो। वो भाई दो दो बंदे, वो सिंगल बंदा क्या, उसको मार मार नहीं रहे। वो निकाल गाड़ी से निकले, फोन निकाले, रुक जाओ बोले भाई को बुला रहा है। भाई दो बंदे हो, एक बंदे को मार नहीं सकते क्या भैया? थोड़ा हम पागल बना कर हम समझते हैं कि हम पागल हैं, मगर यूट्यूब वाले इतने पागल नहीं है जो व्यूअर्स है कि भाई मतलब कुछ चीज़ नहीं समझा यार। भाई हम जो क्रिएटर है वो तो समझते हैं कि भाई क्या चीज़ क्रिएट हुई और क्या चीज़ नहीं क्रिएट हुई है। भाई थोड़ा ध्यान रख के बनाया करो, बाकी मैं किसी को कोई वो नहीं कर रहा, बनाओ भाई जैसी जिसकी इच्छा, मगर यार थोड़ा ध्यान रखो सारी चीज़ें। एक क्या है कि एक दो मछली जो रहती है वो सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो तुम लोगों ने जो रोड रेज वीडियो बनाया, एक्सट्रीम रोड रेज के वीडियो बनाए हैं, तो तुम्हारे चक्कर में बाकी सारे वीडियोज़ भी फेक लग रहे हैं। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि जो कंटेंट है वो रियल कंटेंट बनाओ, फ्रॉड के वायरल के चक्कर में कुछ भी मत करो। चलो आगे मिलते हैं अपन, तब तक भाई आ रहा है, टाटा। चलते हैं, हमारा भाई आ चुके हैं, मास्क उठाते हैं, मास्क पहनते हैं और चलते हैं। हमारे भाई आ चुके हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, ज़रा आपको भी दिखाते हैं कैसा क्या माहौल है। ये आ गया हमारा भाई, इसके पैरों में चल रही गुजाल। फिर बेटा फटाफट चलाओ तो गाड़ी, ये हमारी गाड़ी हो गई चालू, चलो ना। आज हो थोड़ा देसी मोटो व्लॉग, बाकी मैंने चला गाड़ी, गाड़ी मेरा भाई चला रहा। निकल चुके थोड़ा घर से बाहर, माहौल मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म था, ऊपर वाला गर्म है और बाकी जनता के हिसाब से ठंडा माहौल है। निकलने की जगह भी नहीं मिलती थी, इतने ट्रैफिक रहता था यहाँ पे। तो देखो कितना सुनसान पड़ा हुआ है, लोग बाग जा रहे हैं मजे से, हमारे दूध दाँत लेकर घर जाकर चाय बनाएंगे और पियेंगे। ये देखो पुलिस वाले भैया घूरते हो गए, ये देखो ये मजमू जा रहे हैं। को चुके हैं घर से घूम फिर के, मतलब बाहर से। ये हमारी माता राम है, तो सोचा नहीं बहुत दिन हुआ, हमने कुछ खाया भी नहीं। परसों परसों का पिछले संडे हम लोगों ने बनाई थी पानी पूरी, उसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने डाला था यूट्यूब पे। तो आज सोचा कि रोटी सब्जी तो रोज ही खाते हैं, आज सोच रहे हैं हम कुछ छोले भटूरे बनाए जाए। तो आज छोले भटूरे भटूरे बनाएंगे। ये मम्मी तो कुछ भी बोलती है, उनकी बातें नहीं सुनना ठीक है। तो आज तुम्हारा वही बनाएगा छोले भटूरे, मम्मी को बोलिए अपन आज आ रहा हूँ। अपन ने मम्मी को बोलता है मम्मी आज आप आराम करो, तुम्हारा लड़का बनाएगा मस्त छोले और एकदम फूले हुए भटूरे जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, अपने को सब आता है बनाते। ये मेरी माता मम्मी कुछ भी बोलती है। चलो मैं आपको सारी प्रोसेस दिखाता हूँ इसका। मैं झूठा नहीं हूँ ब्रो, ठीक। क्या कर रहे हो तुम, पानी गर्म करके क्यों डाल रहे हो? तो नमक भी डाल देना तुम्हें इसमें, देख लो भाई मेरे को। देखो कुछ करने, अब तुम फिर बोलोगे काम नहीं करोगे, फिर काम नहीं करने दे रहे मेरे को। देखो इसमें डाल रहा चने, तो उनने खुद नहीं पानी चढ़ा दिया। कर रहे थे इन
अपने काम ले लिया अपने हाथ में से, अपन इनने अपने हाथ में से काम ले लिया, अपन चने डालते थे चने ले लिया, मतलब सारे प्रोसेस तो तुम्हारा भाई तुमको दिख रहा है, और तुम देखना है भटूरे भी तुम्हारा भाई बना रहा और छोले भी तुम्हारा भाई बना रहा, बस उबाल रहा है दिया थोड़ा गुनगुना करने के लिए, थोड़े गुनगुने हो जाएंगे ना वो तो क्या है चने जल्दी उबल जाएंगे। तो मम्मी ने चने को धो लिए हैं अभी क्योंकि हम मार्केट से लेके आए हैं, कुछ भी आप लोग भी सामान लेके आओ बाहर से तो उसको कृपया करके धो लें, साफ कर लें, सैनिटाइज कर लें, कोई पैकिंग वाली चीज़ हो तो उसको सैनिटाइज कर लें, कोई ओपन चीज़ हो तो उसको धो लें घर पर आके अच्छे से। पानी हल्का सा गुनगुना हो गया, हमने इसमें चने डाल दिए, देख लो गैस बंद कर दिया हमने ना, हमने ओनली गुनगुना करा है, इसको ढक के रख देंगे 2-3 घंटों के लिए, फिर उस 2-3 दिन के लिए तो इसमें ही फिर सब हो जाएगा वो। थोड़ा सा नमक डाल दिया है, अब इसको ढक रहे हैं और इसको रख देते हैं 2-3 घंटों के लिए। कोई रेसिपी तो तुमको नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद ही कर रहा हूँ अकेले, उसकी रेसिपी मेरे बस की बात नहीं बताना, बाकी ऐसा बोल देना तो इंस्टाग्राम वगैरह पर मैसेज कर देना, यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, बाकी मैं मेरे बस की बात नहीं तुमको सब बात बताना क्योंकि बना भी रहा हूँ और बताना मतलब टास्क है। मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या करा है, टमाटर की प्यूरी, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर की प्यूरी, प्याज, और इसमें चने बॉईल कर लिए हैं अपन ने और उबाल के रख दिए थे कुछ देर। बता हूँ कि कैसे बने हैं, कैसे बन रहे इतना बता सकता हूँ, बाकी रेसिपी तो माफ़ करना भाई मैं नहीं बता पाऊँगा, सॉरी। चलो मिलते हैं आगे। भाई साहब छोले देख रहे हो, छोले का कलर देखो, वाह 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 वाह, एक नंबर। देखो हमारे छोले क्या बात है। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से घी, ये रहा हमारा देसी घी गया, एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच और एक आखिरी 5 चम्मच। ये बन रहा हमारा भटूरा और ये गया तेल में, 1-2-3 ये गया भटूरा, क्या बात है। ये फूल का तैयार हो गया भटूरा, क्या बात, ये पटपट क्यों कर रहा हमारा छोले और ये रहा हमारा भटूरे। अब बढ़िया से इनको डरा टेस्ट किया जाएगा, अभी बाद में बताया जाएगा, खाने के बाद मिलता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय। Thank you.